और 1 सितंबर को होने वाली, किस तरह की तैयारी की गई है और सोनिया गांधी भी आने वाली है? इस कार्यक्रम इंडिया अलायंस के मीटिंग में सोनिया जी, खरगे जी और राहुल जी, ये तीनों आने वाले हैं और पूरी तैयारी एमवीओ के माध्यम से यहाँ पे की गई है। ये मीटिंग का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में देने का एक संकल्प हम लोगों ने किया है। यहाँ पर इंडिया अलायंस का लोगो भी डिक्लेयर किया जाएगा 31 तारीख को। और महाराष्ट्र ऐसे एक राज्य है कि जहाँ से महात्मा गांधी जी ने भी एक तानाशाह अंग्रेज की सरकार को चले जाओ का संदेश दिया था और तानाशाह की सरकार भाग खड़ी हुई थी, वैसे ही अब देश में एक तानाशाह की सरकार बैठी है, उसको भी मुंबई से चले जाओ का नारा लगाने का भी आगाज हो सकता है और इंडिया अलायंस का मीटिंग का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जा सकता है। जिस तरह से शरद पवार के बयान आ रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उसके बाद आप जाके उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, फिर संजय राउत का बयान आता है कि शिवसेना और कांग्रेस साथ में एमडीए में जा रही है चुनाव में, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे साथ पवार साहब है, जो भी उनके दल में जो कुछ चल रहा है वो तो आप सबको पता है, और उद्धव जी और कांग्रेस, हम दोनों में कोई गैर समझ उनके बारे में नहीं है। उद्धव शरद पवार जी हमारे साथ जिस तरह से आए, छगन भुजबल बोले, अजीत पवार बोले, किस तरह से देख रहे हैं, ये क्या बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्या कैसा लग रहा है? बिल्कुल स्क्रिप्ट बना के दी गई है। अजीत पवार जी, उनके पूरे मंत्रिमंडल में लोग जो बैठे हैं, और एकनाथ शिंदे जी है, उनके मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं, उनको बीजेपी की स्क्रिप्ट दी गई है, नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की स्क्रिप्ट दी गई है, उसी आधार पर वो बोलेंगे, और नहीं तो ईडी है ही, शरद पवार जी बोलते। वैसे शरद पवार का भी बयान आया कन्फ्यूजन के, तो क्या लग रहा है वो भी कुछ स्क्रिप्ट का हिस्सा है, क्या कहना है? नहीं, पवार साहब में कोई ऐसा नहीं है, वो तो खुद इनको समझाने में लगे हुए हैं, देखे क्या होता आगे। जिस तरह से जो दलित युवक हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ, उल्टा लटका के मारा गया, क्या कहना चाहते हैं देश में किस तरह से? ये तो तानाशाह सरकार जो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के रूप में बैठी, उसी समय में देश में एक ऐसी प्रवृत्ति को ज्यादा ताकत मिलने का काम शुरू हुआ है। मणिपुर का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे साथ है, मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में तो आए दिन आदिवासी हो, दलित हो, उसके ऊपर भी हमले होते हैं, महाराष्ट्र में भी मुस्लिम हो, बौद्ध हो, दलित हो, पिछड़े जाति के लोग हो, उनके ऊपर भी हमले होना काम शुरू हुआ है। बीजेपी जो पाप करके बैठी है, जो महंगाई हो रोक नहीं सकी, जो किसान के इशू को संभाल नहीं सकी, बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकी, गरीबी कम नहीं कर सकी, और इसलिए ये मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये पाप इंसानियत खत्म करने का वो कर रहे हैं, इसका हम लोग निषेध करते हैं। आखिरी सवाल, आप कई दिनों से कह रहे हैं कि ईडी और एडो की सरकार क्या है? देखो, एकनाथ शिंदे और फडणवीस को, देवेंद्र को ईडी बोलते थे, वो खुद ही देवेंद्र फडणवीस ने बताया था कि हमारी ईडी की सरकार, अब वो उसमें अजीत पवार आ गया तो एडे हो गए, एडे की सरकार हो गई।